हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, सो इन स्टैंडर्ड 4 पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। ओके, तो उस सिलेबस के अंदर हमने कंप्यूटर जो है सेमेस्टर 1 के अंदर भी स्किप किया था, सेमेस्टर 2 के अंदर भी हमने स्किप किया था, लेकिन एनुअल एग्जाम के लिए कंप्यूटर जो है वो नेसेसरी है। सो उसका बेसिक एंड नॉर्मल फॉर्मूला है, उसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, उसके चैप्टर हम जो है वो लास्ट में कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को सिलेबस के अंदर बताया था यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम स्टैंडर्ड 4 की कंप्यूटर बुक में से कंप्लीट करेंगे। सो टुडे इज स्टार्टेड विथ आवर सब्जेक्ट कंप्यूटर। ओके, करना है ना स्टार्ट। सो ओपन योर बुक विथ मी। सो यूनिट नंबर 1 है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड यूनिट नंबर 2 है हाउ कंप्यूटर वर्क्स। ओके, तो टाइप कंप्यूटर के कितने टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड सेकेंड हाउ कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है, ये दोनों जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के चैप्टर है। थर्ड है विंडोज 7, एमएस पेंट एंड एल्गोरिथम, वो हम अभी स्किप कर रहे हैं। सो 1 और 2 लेट वी स्टार्टेड विथ अवर चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो आज की डेट लिखो एंड ओपन योर टेक्स्ट बुक विथ मी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के कितने टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर्स कम इन मेनी टाइप्स एंड साइज। कंप्यूटर जो है वो कई सारे साइज के ही भी है एंड कई सारे टाइप्स के भी है। They can be big, small and portable, etc. Big भी है, small भी है and portable भी है, ठीक है। कई सारे types भी है, कई सारे size भी है, big, small and portable, etc. So you can see in the picture, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो picture है वो हम regularly देखते हैं इस computer को, ये जो है वो हमने नहीं देखा है, ये जो है वो tablet है, ये जो है वो laptop है, ये कंप्यूटर हमने नहीं देखा। मतलब कि ये दोनों कंप्यूटर है वो हम लोगों ने नहीं देखे, ये लैपटॉप एंड टैबलेट ये हमने देखे है। सो द पर्पस ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज सेम, सभी कंप्यूटर का पर्पस सेम है कि उसको क्या वर्क करना है, कि हम यहाँ पे जैसे ऑर्डर करेंगे उसके मुताबिक वो वर्क करेगा। सो पर्पस सेम है बट दे डिफर इन देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, बट दे डिफर इन द कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी सबके है ना वो डिफरेंट है, किसी की स्पीड स्लो है तो किसी की स्पीड फास्ट है, किसी की कैपेसिटी एक उसकी कैपेसिटी हुई कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कि कोई जो है वो मतलब 2 GB तक स्टोरेज कर सकता है तो कोई 32 GB तक स्टोरेज कर सकता है। इट मीन्स उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी स्पीड कैपेसिटी वो डिफरेंट है, उसकी कैपेबिलिटी भी डिफरेंट है, वो कितना कैपेबल है, कितना वर्क कर सकता है, कितना मतलब उसका वर्क जो है वो फास्ट है। सो उसका पर्पस सेम है बट दे डिफर इन देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। दे कैन ऑल्सो डिफर इन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, सारी कंप्यूटर की डिजाइन भी अलग है एंड टेक्नोलॉजी भी अलग है, उसके अंदर मतलब जो APC है हमारा जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर उसकी डिजाइन कैसी है, उसके 4 पार्ट्स है, कीबोर्ड, माउस, CPU एंड मॉनिटर। लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर लैपटॉप एक सूटकेस ब्रीफकेस जैसा रहता है एंड सारे जो है CPU, माउस, कीबोर्ड ये सारा उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। सो दे कैन ऑल्सो डिफर फ्रॉम इन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब उसकी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर। So here types of computers, on the basis of size and capabilities computers can be classified into the following categories. Okay, on the basis of size and capabilities, उसकी size and capabilities के मुताबिक computer जो है वो 3 types में divide किया गया है। First micro computers, second server computers and third super computers. Okay, सो 3 पार्ट्स के अंदर माइक्रो कंप्यूटर्स, सर्वर कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। आज जो है हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स।
माइक्रो इट मीन्स उसकी साइज जो है वो स्मॉल है. टेक्नोलॉजी एंड पर्पस सेम बट स्मॉल साइज. फर्स्ट उसके अगेन फोर पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन है. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स एंड पाम टॉप कंप्यूटर्स. ओके सो लेट्स सी हाउ देयर टेक्नोलॉजी कैपेसिटी कैपेबिलिटी एंड हाउ दे वर्क एंड एट विच प्लेस दे यूज्ड इट. तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. ये जनरल पर्पस के कंप्यूटर्स है, मतलब कि ये हम बैंक, ऑफिस, स्कूल्स इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, रेगुलरली हमारे रूटीन लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं. दीज आर इनएक्सपेंसिव. इनएक्सपेंसिव इट मीन्स रुपीज में उसकी जो प्राइस है वो मतलब मीडियम प्राइस के सारे कंप्यूटर्स है, हाई प्राइस के कंप्यूटर्स नहीं है. ठीक है, नॉर्मल पर्सन भी इसका यूज कर सकता है. सो इनएक्सपेंसिव एंड डिजाइन फॉर पर्सनल यूज. ये कैसे डिजाइन किया गया है? पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि कोई भी पर्सनल व्यक्ति टैबलेट यूज कर सकता है, पीसी यूज कर सकता है, लैपटॉप, टैबलेट, पाम टॉप यूज कर सकता है. सो इट इज इनएक्सपेंसिव एंड पर्सनल यूज. ओके, एक डेफिनेशन है माइक्रो प्रोसेसर. सो वॉट इज माइक्रो प्रोसेसर? There these makes use of small electronic chips called microprocessor. ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप रहती है. यू कैन सी इन द पिक्चर. ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप रहती है वो सारा काम जो है वो कंप्लीट करती है. दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर. ओके सो दीज मैक्स यूज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो कंप्यूटर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग टाइप्स. माइक्रो प्रोसेसर के अनदर टाइप, फर्स्ट वन इज द डेस्कटॉप कंप्यूटर. उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इस कंप्यूटर को हम एक ही प्लेस पे डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर. द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स दैट कैन बी फिक्स्ड एट वन प्लेस. उसको कहाँ पे? कोई भी एक प्लेस के ऊपर फिक्स्ड किया जाता है. These computers can commonly be seen in shops, schools, offices, hotels, etc. सारे ये कंप्यूटर जो है वो ऑफिस, बैंक्स, शॉप्स, होटल्स उसके अंदर ये मतलब एक जगह पे फिक्स रहता है. The desktop computers was invented by IBM of USA. अमेरिका के अंदर IBM जो है उसके द्वारा इसका जो है वो इन्वेंशन किया गया है. ओके हाँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर उसके जो रिमार्क्स है, लेट मी सी उसके रिमार्क्स क्या है. सो रिमार्क्स के अंदर फर्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज कैप्ट ऑन द डेस्क. उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? बिकॉज उसे कहाँ पे रखा जाता है? ऑन द डेस्क. कहाँ पे? ऑन द डेस्क. सेकेंड, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कंप्राइज ऑफ फोर मेन पार्ट्स. उसके फोर मेन पार्ट्स है, वॉच, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. ये फोर पार्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं. फोर पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर: सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. सो अ माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पीसी विच स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर जो है उसकी फोर टाइप्स मैंने बताई, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड पाम टॉप. ये फोर टाइप्स जो है वो हम पर्सनल में यूज कर सकते हैं. सो इसे पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी बोला जाता है. ओके, सेकेंड पार्ट इज द लैपटॉप कंप्यूटर. ये आप सबने देखा है, इट इज जस्ट लाइक अ सूटकेस, ब्रीफकेस जैसा उसका सेफ है. ऐसे पैक करके हम बैग में, लैपटॉप बैग के अंदर या तो फिर कोई भी बैग के अंदर रख सकते हैं. लैपटॉप कंप्यूटर्स लुक लाइक अ स्मॉल ब्रीफकेस. एक छोटी सी ब्रीफकेस जैसा उसका सेफ है. दिस कंप्यूटर्स आर वेरी लाइट इन वेट, मतलब कि वजन में बहुत ही लाइट है, मतलब उठाने में इजी है. एंड कैन बी कैरीड अलोंग व्हाइल ट्रैवलिंग. ट्रैवल में भी आप लोग साथ उसे ले जा सकते हैं. ट्रेन में बैठे, बस में है, एरोप्लेन में है, तो कोई भी जगह आप लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं. मतलब आपका वर्क इजी बन जाता है. ऐसा नहीं कि कोई भी वन जगह पे डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो कोई भी एक प्लेस पे बैठ के ही काम करना पड़ता है, लेकिन इन लैपटॉप
कोई भी जगह हम अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर एज पावरफुल एज डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर के जैसा ही लैपटॉप जो है वो पावरफुल है। कैपेसिटीज में, काम में, सारी जगह इसकी स्पीड में वो जैसे डेस्कटॉप है उसी की तरह लैपटॉप है। दे हैव एन इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी। उसकी रिचार्जेबल बैटरी होती है वो इसके अंदर ही आती है, ठीक है। बैटरी फुल करना है तभी जो है आपका लैपटॉप चल सकता है। बैटरी विदाउट बैटरी दे कैन नॉट वर्क। विथ एडवेंट ऑफ लैपटॉप कम टू एरा ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, इट मीन्स मोबाइल के साथ भी इसे कनेक्ट किया जा सकता है। इसके रिमार्क्स क्या है? फर्स्ट, लैपटॉप्स आर सिंगल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सिंगल यूनिट है। इट मीन्स मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर इनबिल्ट इन देम। ठीक है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, सीपीयू सारे जो है इसके अंदर ही आ जाते हैं। सेकेंड वन, दे ऑल्सो हैव इनबिल्ट कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्पीकर एक्सेट्रा। लैपटॉप के अंदर ही कैमरा, माइक्रोफोन्स एंड स्पीकर ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब डेस्क, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर था उसके अंदर मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड्स, स्पीकर्स ये सारे डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे। एंड ऑल्सो हियर इन द लैपटॉप कंप्यूटर ये सारे जो है वो इनबिल्ट रहते हैं। रिचार्जेबल बैटरी, कैमरा, माइक्रोफोन्स, स्पीकर्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस। एंड थर्ड, एडिशनल डिवाइस लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, स्कैनर एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी अटैच्ड विथ देम इफ रिक्वायर्ड। जो उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड है तो हम उसकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, स्कैनर ये सारे जो है वो हम अटैच कर सकते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज नेक्स्ट। सो हियर नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज अ टैबलेट कंप्यूटर। अ टैबलेट कंप्यूटर इज अ स्मॉल लाइट वेट पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस मतलब ईच पर्सन कैन बी यूज एंड जस्ट लाइक अ मोबाइल। मोबाइल टाइप जो है वो है टैबलेट कंप्यूटर्स। इट कंप्राइजेस ऑफ एलईडी टच स्क्रीन। उसके अंदर एलईडी टच स्क्रीन इज अवेलेबल। सो ऑल इनपुट्स आर प्रोवाइडेड बाय टचिंग द स्क्रीन एंड दे वर्क ऑन द रिचार्जेबल बैटरी। हमारा पूरा वर्क मोबाइल के अंदर जैसे हम टच स्क्रीन के मदद से पूरा वर्क कर सकते हैं, इसी तरह टैबलेट के अंदर भी टचिंग स्क्रीन है उसके मुताबिक पूरा वर्क जो है होता रहता है। एंड दे वर्क ऑन द रिचार्जेबल बैटरी। उसके अंदर भी वो वर्क बैटरी थ्रू करता है। द टैबलेट कैपेसिटीज आर वेरी लिमिटेड। लेकिन उसकी कैपेसिटीज जो है वो वेरी लिमिटेड है। उसका स्टोरेज डिवाइस है वो बहुत स्लो है, लो है। इट कैन ओनली बी यूज फॉर एसेंसिंग वेबसाइट्स, लिसनिंग सॉन्ग्स एंड प्लेइंग मूवीज एंड गेम्स। टैबलेट का यूज मोस्ट ऑफ गेम्स के लिए, मूवीज के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए एंड वेबसाइट एसेसिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, बिकॉज ऑफ उसकी स्टोरेज कैपेसिटीज इज वेरी लो। ओके, एंड इसके रिमार्क्स है, टैबलेट कंप्यूटर्स आर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। उसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी बताया जा सकता है बिकॉज अपने हाथ के अंदर भी हम इसके रख सकते हैं। एंड दे कैन फिट इन अवर लैप एंड कैन बी कैरीड अलोन। हमारी लैप, लैप मतलब हमारी हाथ की हथेली के अंदर भी वो फिट हो जाता है एंड कैन बी कैरीड, हमारे साथ ले जा सकते हैं। सेकेंड, दे हैव इनबिल्ट कैमरा, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स। ये सारा जो है उसके अंदर ही रहता है, कैमरा, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स। नाउ नेक्स्ट लास्ट, पाम टॉप कंप्यूटर्स। अ पाम टॉप कंप्यूटर्स इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर। टैबलेट से भी स्मॉल, दैट इज कॉल्ड पाम टॉप कंप्यूटर। दैट फिट्स इन द पाम ऑफ योर हैंड। हमारे पाम के अंदर वो फिट हो जाती है इसीलिए इसे पाम टॉप बोलते हैं। ओके, दे लुक लाइक अ मोबाइल फोन। वो मोबाइल फोन के जैसा दिखता है। एंड दे कैन बी कैरीड एट वन प्लेस इन हैंड बैग और इन अ पॉकेट। हमारे पॉकेट में भी रख सकते हैं, हमारी हैंड बैग में भी रख सकते हैं एंड हमारे साथ कहीं भी जगह हम इसे ले जा सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर्स। पाम टॉप कंप्यूटर्स आर इवन स्मॉलर देन टैबलेट। टैबलेट कंप्यूटर्स से भी स्मॉल पाम टॉप कंप्यूटर्स है। यू कैन सी इन द पिक्चर जस्ट लाइक अ मोबाइल एंड जस्ट यू कैन जस्ट से दैट कैलकुलेटर टाइप। ओके, ये इसका यूज है। लेट्स सी द रिमार्क्स ऑफ द पाम टॉप कंप्यूटर। सो फर्स्ट, पाम टॉप कंप्यूटर्स कैपेसिटीज आर लिमिटेड। उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है जैसे कि टैबलेट कंप्यूटर। बट दे आर क्विट सूटेबल फॉर एप्लीकेशन नोटबुक, फोन बुक एंड कैलकुलेटर।
आप उसके अंदर नोटबुक जैसी एप्लीकेशन, फोन बुक एंड कैलकुलेटर का यूज आराम से कर सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और PDA, इसका शॉर्ट फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, पाम टॉप कंप्यूटर है उसको दूसरा क्या बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। थर्ड, दिस कंप्यूटर्स डिड नॉट हैव अ माउस और कीबोर्ड एंड हैव अ पेन यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट। उसके अंदर माउस भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, लेकिन उसके साथ एक पेन आती है, वो हमें इनपुट प्रोवाइडिंग के लिए यूज करना पड़ता है। एंड लास्ट, द टर्म पाम टॉप वॉज यूज अर्लियर वेन कंप्यूटर्स वेर वेरी लार्ज एंड मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन आर नॉट येट इन्वाइटेड। जब मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन नहीं थे तभी से जो है वो पाम टॉप कंप्यूटर हम यूज करते हैं। ओके, क्योंकि इसका इन्वेंशन बहुत पहले हो चुका था, जब मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। सो पाम टॉप वॉज यूज अर्लियर वेन कंप्यूटर आर वेरी लार्ज, कंप्यूटर बड़े बड़े थे एंड मोबाइल फोन की और स्मार्टफोन की जब इन्वेंशन नहीं हुई थी तभी से हम पाम टॉप का यूज कर रहे थे। तो हम यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट है जो है वो कंप्लीट करते हैं, सेकंड पार्ट सर्वर कंप्यूटर एंड थर्ड सुपर कंप्यूटर, और हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज के होमवर्क में बस ये चारों पार्ट्स जो है आपको 3 टाइम अपनी रफ बुक के अंदर लिखने हैं, माइक्रो कंप्यूटर के 4 पार्ट्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।